सूत्र क्या होता है? NaOH। अब NaOH की जगह आप KOH, BOH का होल ट्वाइस, NaOH का होल ट्वाइस, मतलब OH कंपलसरी होना चाहिए। कि बताया क्या गया है, क्षार में हमेशा हाइड्रोक्साइड आयन बाहर निकलते हैं, तो OH तो कंपलसरी है, बात समझ आ गई। अच्छा, यहाँ पे इसके कितने भाग लेने हैं? दो भाग लेने। जिंक धातु ले लो, आप यहाँ पे कोई दूसरी धातु भी ले सकते हैं, बनेगा क्या? क्योंकि तो देखो हमने यहाँ पे कितने भाग लिए, इसके दो भाग लिए, तो Na2 निकलेगा, Zn निकलेगा, O2 निकल जाएगा। अब देखिए जरा, Na के दो मालिकुल, ऑक्सीजन के दो मालिकुल, हाइड्रोजन के दो मालिकुल, देखो सब बाहर हो गए, बचा कौन? केवल हाइड्रोजन बचा है, देख सकते हो, बात समझ आ गई। ये हाइड्रोजन आपका निकल आएगा, इसका नाम क्या होता है? सोडियम जिंक केट। क्या नाम बेटा? सोडियम जिंक, मतलब एट वर्ड लगेगा इस ऑक्सीजन के कारण। अगर ऑक्सीजन ना होता इसका नाम कुछ और होता, ठीक है ना? ये रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट हुई।